आज मैं आर्टिजन दिल्ली में हूँ और मेरी मुलाकात चांदनी गुलाटी से हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये क्यूरेट किया है शो, तो आप ऑडियंस को ये बताएं कि कितने आर्टिस्ट इसमें हैं और शो का कोई थीम है, क्या कंसेप्ट है इसका? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट रखती तो ये फाउंडेशन हो जाती कि आर्टिस्ट को उसी तरीके का काम है, उसी तरीके का अपना एक्सप्रेशन निकालना है, बट वो अलग 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 तरीके के उनके एक्सप्रेशन और पोर्ट्रेयल होते हैं, तो मैंने कोई थीम नहीं रखा। शो का नाम है पिक्चरेस्क, विच इज विजुअली अट्रैक्टिव। पिक्चरेस्क का मीनिंग कि आपको विजुअली वो अच्छा लगे पिक्चर। और 44 आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया से, सिर्फ दिल्ली से नहीं है, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर। आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं और कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट हैं, और आपका भी आर्टवर्क मैंने देखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने स्टिल लाइफ में किया है, और मैंने एक और नोटिस किया अभी आपने फिगरेटिव वर्क भी किया है, तो उसके फिगरेटिव वर्क के बारे में कुछ बताया। फिगरेटिव वर्क मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं स्टिल लाइफ से हटके जो मैं एक्चुअली करती रहती हूँ अपने थीमेटिक काम में, मैं कुछ चाहती थी कि उसमें एक लाइफ का एलिमेंट डालूँ और देखूँ कि मैं उससे क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ। आपको अच्छा लगा ये आइडिया दोबारा से करने में, इंटरेस्टिंग है। स्टिल लाइफ तो मैं हमेशा देखता रहा हूँ आपका, बहुत अच्छा लगा है मुझे। अब वो जो कंसेप्ट है आपका ब्लैक के अंदर रिवर्स निकालने का, तो उससे भी ऑब्जेक्ट बड़ा फील करता है, अच्छा लगता है। तो इस पूरे शो में आप ये बताएं मुझे कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहता है आपका? आपको आर्टवर्क पहले आपके पास आते हैं? मेरे पास हर आर्टिस्ट के 7 to 8 वर्क्स आते हैं, जिसमें से मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ, तो 2-3 शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, कुछ आर्टिस्ट के ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे खुशबू के ज़्यादा हो गए और विकास जी के 3 हो गए, गौतम सर के 3 हो गए, तो ऐसे मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ। आप खुद ही शॉर्टलिस्ट करती हैं आर्टवर्क की क्वालिटी देख कर के, और ये डिस्प्ले का प्लान आप कुछ लेआउट करते हैं? जब सारे काम आ जाते हैं उसके बाद में डिस्प्ले। अच्छा, तो लेआउट डिसाइड करते हैं कौन सी पेंटिंग कहाँ लगेगी, कहाँ अच्छी लगेगी। ओके, अच्छे काम जो कलर ज़्यादा अपीलिंग हो मैं फ्रंट वॉल पे लगाती हूँ, जो बड़े हों ताकि डिस्टेंस से देखने में अच्छा लगे। और जैसे लैंडस्केप्स हैं, फिगरेटिव वर्क्स हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स हैं, उनका भी कुछ कम्बिनेशन रहता है? लैंडस्केप्स कौन, मैं चाहती हूँ कि जो काम साथ लग रहे हैं, चाहे डिफरेंट आर्टिस्ट हों पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। वेरी नाइस। तो ये आपका कौन सा शो है? ये मेरा थर्ड शो। ओके, तो लग रहा है कि आप भी आगे चल के इस तरह के बड़े शो करते रहेंगे और बड़े बड़े आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज इनॉग्रेशन है आपका शामपुर, तो हमारी मुलाकात फिर होगी शामपुर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी नाइस।